रोलर कोस्टर, रफ्तार और रोमांच के शौकीन इस खेल के बारे में जानते हैं। ऐसा ही रहा है साध्वी का राजनीतिक सफर और शायद व्यक्तिगत भी। गंगा और तिरंगा की राजनीति करने वाली साध्वी कैसे सत्ता में आई और कैसे उन्हें सत्ता खोनी पड़ी। हालांकि उन्होंने कोशिश बहुत की कि सत्ता उनके पास से ना जाए। वैसे भी हाशिए में भी रहकर अपनी हस्ती को बरकरार रखने का नाम है उमा भारती। प्रवचन से पॉलिटिक्स, पहली एकमात्र महिला मुख्यमंत्री, 258 दिन की सीएम। साध्वी ने किला तो ढा दिया था, लेकिन ऐसा लगता था सत्ता सुख उनके नसीब में नहीं है। प्रदेश की पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री उमा भारती सिर्फ 258 दिन यानी करीब 8 महीने ही मुखिया रह सकी। उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, गौर को सत्ता सौंपनी पड़ी। इसके बाद भी साध्वी ने ऐसी फील्डिंग जमाई कि जब चाहे राजगद्दी पर विराजमान हो जाएं, लेकिन ऐसा हो ना सका। किसी दौर में लोध समुदाय का एकमात्र चेहरा थी उमा भारती। मध्य प्रदेश में करीब 9% लोधी वोटर्स हैं। 65 विधानसभा और 13 लोकसभा सीटों में इनकी नाराजगी कोई मोल नहीं लेना चाहता। लोधी वोट बैंक के अलावा भाजपा की ओबीसी चेहरे की केंद्रित राजनीति का प्रयोग है उमा भारती। लेकिन साध्वी ने सत्ता की चिंता किए बिना बोला, बेबाक बोला और सियासत में सच्चाई सख्ती से बयान करने का रिवाज होता नहीं है, लिहाजा बीजेपी ने अपने ही नेता का शिकार कर लिया। 2004 में पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने के बाद भारती ने भारतीय जनशक्ति पार्टी बनाई। बीजेपी को नुकसान जरूर हुआ, लेकिन पार्टी जीत के ट्रैक से डिरेल नहीं हुई। आखिरकार 2011 में लौट के भारती बीजेपी में आई। भले ही बतौर मुख्यमंत्री भारती का कार्यकाल दिनों में गिना जा सके, लेकिन फिर भी कृषि महाविद्यालय, खजुराहो सिंगरौली रेलवे लाइन, केन बेतवा लिंक परियोजना को मंजूरी के साथ साथ कई काम उन्होंने करवाए। उमा भारती जब बहुत छोटी थी, राजनीति में उनका प्रवेश नहीं हुआ था, तब से हम टीकमगढ़ के लोग उन्हें एक धार्मिक प्रवक्ता, धार्मिक कथाकार के रूप में उन्हें जानते हैं। मेरे पड़ोस में श्री भगवान दास जी नायक रहा करते थे, वे डीएससी थे। डूड़ा एक बारात गई थी और उस शाम को तो आप जानते हैं कि उस समय लोग खुले में चारपाइयों पर रात्रि विश्राम करती थी बारात, तो नायक जी वहाँ विश्राम कर रहे थे। तभी उनके कानों में एक कन्या कंठ में चौपाइयों को उन्होंने सुना। वे धैर्यपूर्वक सुनते रहे और सुनने के बाद जब वो स्वर आना बंद हुआ, तब उन्होंने पूछा कि भाई ये इतनी सुंदर चौपाइयाँ कौन पढ़ रहा है। लोगों ने बताया, महाराज एक लोधी की लड़की है यहीं की, और भगवान की कृपा है, उसको याद व्याद कुछ नहीं करती, उसको तो याद है और वो बहुत दिनों से ऐसी चौपाइयाँ गा रही है। सवेरे नायक जी उनसे मिले और उन्होंने बातचीत की, तो वे बड़े प्रभावित थे। तो उन्होंने कहा कि उस समय डीएससी को ये पावर थे कि वो बिना परीक्षा लिए और किसी भी ऐसे एलिजिबल, जो मतलब जो योग्य है, योग्य व्यक्ति को वो कक्षा उन्नति दे देते थे। उन्होंने वहीं उमा जी को कक्षा 5 उत्तीर्ण घोषित किया। टीकमगढ़ या राजनीति, ठीक है ना, टीकमगढ़ की जो राजनीति की शुरुआत हुई है वह बहुत कुछ उमा भारती की जी देन है। उन्होंने टीकमगढ़ के लिए जो किया है वह हमेशा यादगार रहेगा, और आज भी वो टीकमगढ़ के विकास के लिए प्रयासरत हैं।
वह भारतीय राजनीति में एक बड़ा चेहरा है, ओबीसी फैक्टर को वो लेके चलती हैं और उसके बाद भी वह कई वर्गों के लोगों को संजोकर अपने साथ चलती हैं। उतनी उपलब्धियां उस समय नहीं हो पाई क्योंकि बहुत कम समय मिला, अनायास कुछ ऐसे घटनाक्रम घटे कि वह अपना जो उन्हें दिखाने का था वह नहीं दिखा पाई, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी सोच को लेकर उनके निर्देशन पर शिवराज सिंह जी ने मध्य प्रदेश में बहुत कुछ उपलब्धियां दी हैं। कुल उमा जी की ही देन है, जो उमा भारती जब जीती मुख्यमंत्री बनी उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री निरंतर उनके प्रयासों से आज जमे हुए हैं। टीकमगढ़ में ऐसी शख्सियत का जन्म होने के चलते लोगों का एक स्वाभाविक जुड़ाव उमा भारती के साथ है। वो उस वोट बैंक का निर्विवाद चेहरा है जो अपने नेता को काम की कसौटी से ज्यादा जज्बात के खांचे में रखकर परखता है। न्यूज 18 ने उनके कार्यकाल और किरदार को लेकर आम लोगों से बातचीत भी की। सुश्री उमा भारती जी टीकमगढ़ ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय नेता हैं और टीकमगढ़ ही नहीं बल्कि प्रदेश और देश की शान है। सुश्री उमा भारती जी ने न केवल टीकमगढ़ बल्कि मध्य प्रदेश और इसके अलावा देश के विकास में कई महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। जब उमा भारती थी तो स्टंप विकास हुआ, उसके बावजूद भी जब उमा भारती को समय पार्टी ने नहीं लिया, उमा भारती पार्टी इस्तीफा दिया, तो उसके बाद जब उनके भतीजा राहुल सिंह लोधी जी, तो विकास के नाम पर खाली उमा भारती से आगे रहीं, बाकी जो भ्रष्टाचार जो उनके भतीजे ने किया, अपराध हुए, गुंडागर्दी हुई, जो दुराचार हुआ। उमा भारती कैसी हैं? उमा भारती अपनी जगह सही हैं, लेकिन जो उन्होंने जिन लोगों को बढ़ापा दिया ये लोग गलत हैं। मुख्यमंत्री नहीं कुछ विकास किया उन्होंने? हाँ, उन्होंने अपनी जगह सही काम किया। क्या देखते हो उमा भारती को? उमा भारती हमारी बड़ी बहन है और टीकमगढ़ की शान है, वो टीकमगढ़ की शान है, आज राष्ट्रीय लेवल की नेता है और उन्होंने टीकमगढ़ के विकास में अच्छा योगदान दिया है। टीकमगढ़ में क्या क्या किया, उनकी उपलब्धि है कुछ? उनकी उपलब्धि तो भैया सब जगह है, पूरे मध्य प्रदेश में। मुख्यमंत्री के काल में रहीं तो टीकमगढ़ गए, उनको इतना टाइम नहीं मिला कि टीकमगढ़ को बड़ा विस्तृत कर सकती थी वो, उनको इतना टाइम नहीं मिला। क्या क्या कर सकती थी भैया? बड़े बड़े कारखाने भी लगवाने थे, उन्होंने घोषणा की थी कि हम टीकमगढ़ में लगवाएंगे। रेलवे लाइन उन्हीं की है, ठीक है, लक्ष्मी नायक ने की थी, लेकिन उमा भारती का है कि उन्होंने रेलवे लाइन अटल बिहारी वाजपेयी से के करवाया है। वो तो लीडर राष्ट्रीय स्तर की है, इसमें कोई शक नहीं। 6 महीने मुख्यमंत्री पद भी उन्होंने निभाया, किसी भी नए व्यक्ति के लिए 6 महीने सिर्फ शासन का काम सीखने में लग जाते हैं। उसके बाद उन्होंने जो झंडारोहण किया था तो उसके उसमें वो चली गई थी, उसके बाद वो फिर निश्चित रूप से कन्फ्यूज रही और थोड़ा सा उनका स्वभाव जो है वो एकदम गुस्से स्वभाव की होने के कारण उनकी पार्टी में जो हाई कमान होते हैं उन लोगों से नहीं बने। और भारतीय जनता पार्टी के नेता उनको बचा ही नहीं पा। अभी बाकी है राजनीति के जानकारों की राय और विपक्षी नेताओं की नाराजगी, वो भी दिखाएंगे, बने रहिए। टीकमगढ़ से राजीव रावत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।